देश को आजाद हुए कई साल बीत गए, दुनिया चांद तक पहुंच गई और भारत अंतरिक्ष में महाशक्ति बन गया है। लेकिन कुछ गांव ऐसे भी हैं जहां आज तक सड़क नहीं पहुंच पाई है। जी हां, हम बात कर रहे हैं जिला कांगड़ा के देहरा तहसील की, जहां आज़ादी के इतने साल बीत जाने के बाद भी सड़क नहीं बन पाई है, जिसके चलते इस बार इन गांव के लोगों ने चुनाव का बहिष्कार करने का मन बना लिया है। आइए आपको सुनवाते हैं इन गांव वालों का क्या कहना है। हम धारदंगड़ से युवा सभी इकट्ठे हुए हैं, यही नहीं है कि युवा इकट्ठे हुए हैं, हम पूरी की पूरी पंचायत एक साइड है और हम वोटों का बहिष्कार कर रहे हैं। इसका मुख्य कारण यही है कि यहाँ की डेवलपमेंट नहीं होती है। वोट जब भी वोट आते हैं, इलेक्शन आते हैं, तो नेता यहाँ पर वोट मांगने के लिए चले जाते हैं। इलेक्शन के बाद कोई नहीं पूछता, अगर डेवलपमेंट नहीं तो वोट भी नहीं। अगर कोई भी नेता आएगा हम उसको यहाँ पे आने नहीं देंगे और हम वोटों का बहिष्कार करेंगे और हम कोई भी यहाँ से वोट नहीं देगा। और इसका एक और मुख्य कारण ये भी है कि यहाँ से जो दंगर से लेकर गुलेर तक जो सड़क है उसका निर्माण कार्य जो स्टार्ट नहीं हुआ, पक्की होने का निकल तो गई है, लेकिन बरसात के टाइम में जैसे अगर बारिश बुरिश हो तो मतलब बड़ी ज़्यादा मुसीबत हो जाती है। ये हमें नहीं, सभी को पता है, लेकिन कोई भी डेवलपमेंट होने का हमें मतलब यहाँ पे रास्ता नहीं दिखाई देता है। अगर रोड का ही नहीं है कि यहाँ पे रोड नहीं बनता, बाकी भी अगर रास्ते देख लिए जाए वहाँ पे अनडेवलपमेंट हुई है। और इसलिए हम यहाँ पे सभी जो हैं वोटों का बहिष्कार करेंगे और कोई भी वोट नहीं देगा। हम इतना मजबूर हो चुके हैं कि हमारे पास और कोई रास्ता नहीं बचा है, इसलिए हम नेताओं को साफ साफ बता देते हैं कि दंगड़ पंचायत में कोई वोट मांगने ना आए। धन्यवाद। और दूसरी बात ये भी है, यहाँ पर कोई भी नेता वोट मांगने नहीं आए, ये साफ साफ हम अभी बता देते हैं। और गुलेर से धंगड़ और धंगड़ से दार सड़क का कार्य न होने के कारण चुनावों का बहिष्कार करते हैं। और चुनाव तभी वोट हम सब तभी डालेंगे जब हमारी सड़क पूरी तरह पक्की होगी, इससे पहले कोई हम वोट नहीं डालेंगे, इसलिए कोई वोट मांगने आए भी ना। ये हमारा विकास जो है वो राजनीति की भेंट चढ़ गया है। हाँ जी, और हम सब एक है। टेंडर पास होने के बाद, सब कुछ क्लियर होने के बाद पेमेंट फंसी है, ये फंसा वो फंसा है, हमें तो अपनी सड़क चाहिए, अगर सड़क नहीं तो वोट नहीं। यूथ क्लब जिंदाबाद, यूथ क्लब जिंदाबाद, वोट आविष्कार हमारी मजबूरी है, मजबूरी है, मजबूरी है, सड़क आविष्कार हमारी मजबूरी है, सड़क मजबूरी है, वोट आविष्कार हमारी मजबूरी है, वोट मजबूरी है। आज हम ये धार धंगड़ के युवा आज यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, इसलिए इकट्ठा हुए हैं कि ये यहाँ के नेता जो हैं वो हमारे रोड को नहीं निकलने दे रहे हैं। और आज तक हमारे यानी कि 70 वर्षों से ये जो विकास रुका हुआ है, ये नेताओं के वजह से आज रुका हुआ है। और हमें इस बार इलेक्शन में वोटों का बहिष्कार कर रहे हैं। हिमाचल एक्सप्रेस के लिए देहरा से गुरुदेव राणा की रिपोर्ट।